Hello friends, welcome to Bhavika's kitchen classes. Myself Bhavika Chawla, मैं लेती हूँ कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस एट कोल्हापुर. फ्रेंड्स, फेस्टिवल्स का सीजन शुरू हो चुका है. हम स्वीट रेसिपीज बनाते रहते हैं, इसलिए मैं आपके लिए बहुत सारी स्वीट रेसिपीज लेकर आने वाली हूँ. मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़े रहिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट मोदक गणपति बापा के लिए. उसके लिए हमें चाहिए डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा, ये है 250 ग्राम. ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून बटर. ये लिया है 100 ग्राम मिल्क मेड या कंडेंस मिल्क, नेस्ले, अमूल, कोई भी ले सकते हैं आप. ये मैंने लिया है 50 ग्राम बादाम के टुकड़े. ये मैंने लिया है 50 ग्राम काजू के टुकड़े. और ये है चॉप किया हुआ मिल्क चॉकलेट. मैंने ये यूज किया है मिल्क कंपाउंड. मैंने डार्क कंपाउंड यूज नहीं किया है बिकॉज वो थोड़ा बिटर रहता है. अगर आप उसे यूज करेंगे तो आपको शायद एक्स्ट्रा शुगर ऐड करनी पड़े, लेकिन अगर आप ये मिल्क कंपाउंड यूज करेंगे तो ये स्वीट ही रहता है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए तो बनाते हैं चॉकलेट मोदक. ये मैंने कढ़ाई रखी है गैस पे. अब मैं लूंगी ये नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट. इसे हमें इतना ड्राई रोस्ट करना है कि इसकी अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए. इस डेसिकेटेड कोकोनट को आपको स्लो गैस पर ही ड्राई रोस्ट करना है. ये देखिए, ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुका है. इसकी बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है एंड आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा कलर भी क्रीमिश हाफ व्हाइट हो गया है. बस मैंने गैस को कर दिया है बंद. अब इसे निकाल देंगे एक प्लेट में. मैंने वही कढ़ाई ली है एंड इसमें मैं डालूंगी ये 2 टेबलस्पून बटर. बटर मेल्ट हो चुका है. ये मैं ले रही हूँ बादाम 50 ग्राम्स एंड ये मैंने लिए है 50 ग्राम्स काजू. इन्हें हमें बटर में बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है. देखिए, ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सौते हो चुके हैं बटर में. इसे भी मैं निकाल दूंगी. ये मैंने बोल लिया है एंड इसमें मैंने ये चॉप किया हुआ चॉकलेट डाला है. ये हम लेंगे 100 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क, इसे भी हम डाल देंगे इसमें. ये मैंने डबल बॉयलर रखा है, पानी बॉयल होना स्टार्ट हुआ है. अब इसके ऊपर ये बाउल रखेंगे एंड इसे मेल्ट करेंगे. ये देखिए, चॉकलेट मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है. पानी बॉयल होना चाहिए एंड उसे गैस को स्लो कर दीजिए और धीरे धीरे हिलाते रहिए एंड चॉकलेट आपका मेल्ट होता जाएगा. मैंने गैस को कर दिया है बंद. ये देखिए, चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है. ये देखिए, ये चॉकलेट मेल्ट हो गया है. अब मैं इसमें ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे एंड हमारा डेसिकेटेड रोस्टेड कोकोनट, ये इसमें ऐड कर देंगे. अब इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे. ये थोड़ा गर्म है, जैसे ही थोड़ा वार्म होता है आप इसे हाथ लगा सकते हैं, तो आप हाथ से मिक्स कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंसी राइट है या नहीं. अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा ड्राई है, मोदक नहीं बन पाएंगे, तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दूध डाल सकते हैं. ये देखिए, मैं इसे हाथों से मिक्स कर रही हूं और आप देख सकते हैं, या आप इस तरीके से बाइंड करके देखेंगे. ये देखिए, ये बाइंड हो रहा है, मतलब आपके मोदक बनेंगे.
लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है बनाने में तो आप 2 टेबलस्पून दूध ऐड कर सकते हैं। ये बहुत गर्म है, इसे मैं बाइंड नहीं कर पा रही, बहुत ही ज्यादा गर्म है ये। ये देखिए, मैंने छोटी कटोरी दूध लिया है, ये अराउंड 1/4 कप है। ये 1 टेबलस्पून, ये 2 टेबलस्पून, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए। जैसे ही आपको लगता है आपके मोदक बाइंड हो रहे हैं, बस उतना ही दूध ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने 2 टेबलस्पून ही आपके सामने जो दूध डाला है उससे ही ये इस तरीके से आप बॉल बना के देख सकते हैं। ये देखिए, बस आपके मोदक इससे बन जाएंगे। हमें सिर्फ 2 टेबलस्पून लगा, हमें ज्यादा लगा ही नहीं। ये देखिए, पूरा दूध बच गया है, सिर्फ 2 टेबलस्पून दूध मैंने डाला एंड हमारा रेडी हो गया। अब हम इसके मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने मोदक का मोल्ड लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, छोटा या बड़ा। एंड इसे मैंने अंदर से थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब इस तरीके से हम लेंगे एंड इसमें हम भरते जाएंगे। दोनों तरफ से ही आपको भरना है, कोई बात नहीं, ये एक्स्ट्रा निकल जाएगा। देखिए, इस तरीके से हम भर लेंगे एंड फिर इसे हम बंद कर देंगे, ये इस तरीके से। और ये जो एक्स्ट्रा जो भी है आप इसे निकालते जाइए। ये नीचे से इसका जो बेस है इसे भी आप इस तरीके से फ्लैट कर दीजिए। अब इसे हम खोलते हैं। ये देखिए, हमारा मोदक बनके हो चुका है रेडी। ये जो एक्स्ट्रा हम देख रहे हैं इसे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, फिनिशिंग आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। ये देखिए, आपका मोदक हो चुका है रेडी, ये देख सकते हैं आप। बस इसी तरीके से मैं इस सांचे में डालकर ये सारे मोदक मैं रेडी कर लेती हूं। तो ये लीजिए, रेडी हो गए हमारे चॉकलेट कोकोनट मोदक। इसे गणपति के लिए प्रसाद में जरूर बनाइएगा। और फ्रेंड्स, जैसे ही ये गर्म हो उसी वक्त आप इसे मोल्ड में डाल के सेट करते जाइएगा। बिकॉज अगर आपका मिक्सचर थोड़ा भी ठंडा हो गया तो आपके मोदक का शेप नहीं बन पाएगा। गरम गरम में ही बनाइए, और जैसे ही आपके मोदक का शेप बन जाए, आपका मोदक रेडी हो जाए, उसे 2-3 घंटा रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए। बिकॉज ये जो मोदक है वो थोड़ा ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, बिकॉज उसमें जो चॉकलेट है वो उसे सेट कर देगा।